अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्रो वाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर के मेजर दो फॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपके घर में भी ग्रो वाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी नई वीडियोज़ इन्वर्टर फॉल्ट्स के हवाले से और इन्वर्टर सेटिंग्स के हवाले से इस चैनल पर अपलोड होंगी, जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही हैं। आज हम बात करेंगे ग्रो वाट के दो फॉल्ट के बारे में, फॉल्ट 302 और फॉल्ट 405 के बारे में। ये आजकल क्यों कॉमन आ रहे हैं, क्या वजह है और क्या हम इसको खुद से ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फॉल्ट 302 क्या होता है, पहले मैं दोनों की डेफिनेशन आपको बताता चलूँ। फॉल्ट 302 नो एसी कनेक्शन का फॉल्ट है, जिसमें आपके पास अगर ग्रिड की तरफ से सप्लाई नहीं आ रही, कोई फेज़ नहीं आ रहा या कुछ और मसला है, फ्रीक्वेंसी का कोई इशू है जो कि इन्वर्टर की लिमिट के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो इन्वर्टर आपको नो एसी कनेक्शन का फॉल्ट देगा। फॉल्ट 405 ये क्यों आता है, इस फॉल्ट की डेफिनेशन में लिखा आता है कि रिले ट्रिपिंग। ये फॉल्ट बेसिकली आजकल आपको पता है कि बरसात का मौसम है, ये फॉल्ट अर्थिंग की वजह से आता है। अर्थ टू न्यूट्रल वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, जिस वजह से इन्वर्टर आपको फॉल्ट देकर आउटपुट को बंद कर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फॉल्ट के बारे में, पहले फॉल्ट को क्या हम ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो कोई फेज़ नहीं आ रहा तो इन्वर्टर आपको आउटपुट नहीं देगा, और 302 के फॉल्ट में वापटा की तरफ से इश्यूज आते हैं तो उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते जब तक हमें सप्लाई ठीक नहीं मिलेगी। और दूसरा फॉल्ट 405 का फॉल्ट है। ये फॉल्ट आप चेक कैसे कर सकते हैं, डीवी बॉक्स में आपके सबसे पहले आप फेज़ टू फेज़ वोल्टेजेस को चेक करेंगे, उसके बाद आप न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर उसकी वैल्यू 5 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो आपका फॉल्ट होगा अर्थिंग का फॉल्ट, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। जो ग्रिड की तरफ से सप्लाई आ रही होती है उसके अंदर भी न्यूट्रल में फेज़ आ रहा होता है, तकरीबन 120-130 वोल्ट तक आ रहे होते हैं, जिस वजह से इन्वर्टर सप्लाई को ऑफ कर देता है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक करने का एक जुगाड़ी तरीका तो है, लेकिन ये है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारी जनरेशन नहीं हो रही, हमें बहुत बिल आ जाएगा, तो इस वजह से रिकमेंडेड नहीं है। फोर्सफुली अगर वो कहते हैं तो इसका सलूशन उनको एक प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इंस्टॉलर्स की जानिब से ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ये चीज़ करें। वो क्या हो सकती है, फॉल्ट कैसे आप ठीक कर सकते हैं और इन्वर्टर की सप्लाई को कैसे बहाल कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे हो सकता है कि आप अपने अर्थ को इन्वर्टर से कट ऑफ कर देंगे। जब आप अपने अर्थ को इन्वर्टर से कट ऑफ कर देंगे तो आपका इन्वर्टर दोबारा से जनरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देगा और आप की सोलर से जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक फॉल्ट, इसका एक ये सलूशन है जो कि रिकमेंडेड नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहें, बहुत दिनों से आपके सिस्टम में ये फॉल्ट आ रहा है, आप इसको ठीक करना चाहें, तो इस तरह आप किसी भी या अपने इंस्टॉलर को बुलाकर इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी जो नो एसी कनेक्शन का फॉल्ट है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर अगर आप के वोल्टेज बहुत वापटा की तरफ से लो आ रहे हैं या हाई आ रहे हैं तो आप इन्वर्टर की ऐप में जाकर उसकी सेटिंग को चेंज करके आप इन्वर्टर की सप्लाई को बहाल कर सकते हैं। तो आज हमने दो फॉल्ट्स को डिस्कस किया, इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।